नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज का जो मतलब हमारा एनडी का ये तीसरा चैप्टर है, तीसरा अध्याय है नियर डेथ एक्सपीरियंस का, मतलब मौत के तुरंत बाद जो हमें मतलब बहुत लोगों को जो अनुभव होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। और उस सबसे बड़ी बात मतलब वो फिर भी अपने शरीर में आ गए और एक हमारे और आपकी तरह ही ज़िंदगी जी रहे। आज का जो पहला टॉप पहला जो हमारा मतलब पहली केस है उसका नाम है, उस लड़के उस आदमी का नाम है रॉबर्ट वाइट, और ये उनके साथ 2003 में बात हुई थी। और क्या हुआ था, ये अपने घर पे कुछ काम कर रहे थे, मतलब पेंटिंग का कुछ ये काम कर रहे थे, तो उसमें कुछ मतलब फिसल गए, अब टेबल से वो नीचे गिर गए और उनकी मतलब सर को बहुत ही चोट लगी, और इसलिए वजह से वो एडमिट मतलब उनको एडमिट किया गया। और अपने होश में नहीं थे, उन्होंने कहा कि उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक महसूस कर रहे थे वो कि वो अपने शरीर से थोड़े थोड़े मतलब ऊपर जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह मतलब एक बहुत ही बढ़िया गांव था, उन्होंने कहा, और बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। मतलब डायरेक्टली उन्होंने कहा कि लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन हम मतलब ऊपर से जिस तरह से नीचे देखते हैं तो लोग बहुत ही मतलब उन्होंने कहा कि उनकी जो मतलब मानसिक अवस्था है लोगों की, वो समझ पा रहे थे कि वो बहुत ही खुश थे और बहुत ही अच्छे से मतलब जी रहे थे अपनी ज़िंदगी, तो ऐसा उन्होंने देखा। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनका हाथ कोई हाथ किसी ने पकड़ रखा है, उनका अब तब ध्यान गया कि उनका हाथ मतलब किसी ने पकड़ रखा है। ऐसा उन्होंने कहा कि मैं आपको मतलब आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये थोड़ी बात है कि पहले हमें क्यों नहीं पता कि हाथ उनका किसने पकड़ा है और नीचे क्या उन्हें दिख रहा था। आखिर आपको सवाल आ सकते हैं, लेकिन उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन इनके साथ जो भी हुआ आपको पहले कह देता हूँ। तो क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि उनका हाथ किसने पकड़ा है, तो उन्होंने देखा कि वो उनके चाचा थे, अंकल थे, और अंकल के साथ इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, और अंकल आज उनके बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे थे। बहुत पहले भी मैंने केसेस में कहा है और अभी भी कहता हूँ कि इनके अंकल मतलब तकरीबन 82 साल जिए थे, और जब अब आज वो दिखाई दे रहे हैं रॉबर्ट को, तो उन्होंने कहा है कि वो आज बहुत ही मतलब जवान लग रहे थे, मतलब 31 साल से ज़्यादा नहीं लग रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा खुश थे, समाधानी उनका मतलब चेहरा दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बात नहीं की रॉबर्ट से, लेकिन उन्होंने कहा यही कहा कि तुम ज़्यादा मतलब चिंता ना करो, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने की कोशिश करो, और तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है, तुम्हारा मतलब वक्त बहुत बाकी है पृथ्वी पर, और इसलिए तुम्हें जो मतलब पृथ्वी पर फिर से जाना होगा, और तुम ज़्यादा मतलब चिंता वगैरह ना करो, इसी बातें उन्होंने कही। और उसके बाद रॉबर्ट ने कहा कि मतलब उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो अपने शरीर में डायरेक्टली मतलब वहाँ से खींच मतलब उसका शरीर उसे खींच रहा है, ऐसा कुछ ऐसे अनुभव हुआ, और उसके बाद वो शरीर में आ गया। जितने भी लोग मतलब फिर से शरीर में आते हैं तो वही कहते हैं कि मैं अच्छी दुनिया में था, मतलब बुरा हुआ कि मैं यहाँ पे आया, लेकिन ज़्यादा तो लोग मतलब ऐसा सोचते हैं। उसके बाद उनको अपने जो उनके बहुत ही करीब है, उनके बेटे, उनके पत्नी, उनके मतलब उनके माताजी, तो इनके बारे में सोचने के बाद वो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं आया हूँ तो ठीक है, ऐसा मतलब। वो बहुत बार मैंने देखा है कि अगर किसी का अपना नहीं हो इस दुनिया में तो वो लोग मतलब चाहेंगे ही नहीं कि वो फिर से आए, बस अपनों की वजह से आते, और वो भी मतलब खुद को उनको उन लोगों से मिलना इसलिए नहीं, उनको भी तब पता चलता है कि मतलब अपने जो है वो भी मतलब हमसे मतलब कभी ना कभी मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो उनको ज़्यादा दुख ना हो इसलिए चाहते हैं कि वो मतलब फिर से आए। तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा। तो अब आते हैं कि हम इस केस के बारे में और ज़्यादा मतलब सोचते हैं, तो उनको गांव क्यों दिखाई दिया, क्योंकि आज तक मतलब एक भी केस में मैंने आपको गांव नहीं कहा है कि किसी को दिखाई दिया। और दूसरी चीज़ की पहला उन्होंने हाथ जब पकड़ा था तो उनको पहले क्यों नहीं दिखाई दिए। क्या होता है, देखिए कि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो दूसरे लोग जो जिस तरह से हमें चीज़ें दिखाते हैं तो उस तरह से हमारे साथ होगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसके मतलब चाचा जी अगर खुद का चेहरा भी अगर उनको नहीं दिखाना होता तो वो भी नहीं दिखा सकते। मतलब एक आपसे एक कहता हूँ कि एक हम वो वही वैसी दुनिया देख पाएंगे, वैसा ही माहौल देख पाएंगे जैसे हमें दिखाया जा रहा है। ऐसा मतलब मैं आपके मतलब मुझे अगर कोई मतलब कोई कहते हैं ना कि वो मिट्टी दे, तो हम मिट्टी का आकार किस तरह से तैयार करेंगे उस पर निर्भर है कि वो मिट्टी का क्या होगा। मतलब अगर उससे हम भगवान की मूर्ति बनाई तो उसकी पूजा की जाएगी, अगर कोई दूसरी चीज़ बनाई तो उसको मतलब उस तरह कोई मटका अगर बनाया उस मिट्टी का तो उसमें पानी भर के रख दिया जाएगा पीने के लिए। तो इस तरह से बातें होती है, जिस तरह से वो हमें दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं। तो अब ये उस बारे में सोच सकते हैं कि रॉबर्ट को मतलब जिस तरह से बहुत ही अच्छा लगेगा वैसा उन्होंने माहौल चूज़ किया था, और उन आत्माओं को पता होता है कि हमें क्या पसंद है। तो ऐसा होता है, मैं आपसे सच कहता हूँ कि हमारे मानवीय जो मन है, भौतिक मन जिसे कहा जाता है, उसको क्या पसंद है मैं इसकी बात ज़रा भी नहीं कर रहा। हमारे आत्मा को क्या पसंद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है कि
समझो कोई हमारी सब्जी वगैरह या हमारे भौतिक मन को वो पसंद होती है, कोई मतलब एक विशिष्ट सब्जी, अगर आलू की सब्जी हमें पसंद है, आलू के पराठे अगर पसंद है तो हमारे भौतिक मन को पसंद है वो, हमारे आत्मा की एक पसंद कुछ अलग भी हो सकती है। सच कहता हूँ आपसे, थोड़ी आपको ये बात अलग लगेगी लेकिन आत्मा क्या करती है कि थोड़े थोड़े अलग मतलब रुचि लेकर जन्म लेती है। मतलब इस जन्म में मुझे अगर आलू पसंद हो तो अगले जन्म में ये भी हो सकता है कि मुझे करेला पसंद है। सच कहता, थोड़ी आपको ये अलग बात लगेंगी लेकिन ये सच है, क्योंकि उसमें भी उनको मतलब अपने आप में भी थोड़ी विविधता करनी पड़ती है उनके आगे के सफ़र के लिए। ये थी पहली केस रॉबर्ट वाइट जी की। दूसरी जो केस है उनका नाम है केसी डंट्स। ये उनके साथ 2000 में घटी थी और उनका बहुत ही दुखद ऐसा कार एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने कहा है कि मतलब सामने का जो शीशा था उसमें उनका डायरेक्ट सर लग गया, इतने जोर से उनकी मतलब एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही ज़्यादा वो घायल थी और उन्हें मतलब डायरेक्टली इमीडिएटली अस्पताल में लेकर एडमिट किया गया और उनका इलाज चल रहा था। तो उन्होंने ये देखा कि वो अपने शरीर से ऊपर आ रही थी और उन्होंने कहा कि बहुत ही हल्का उनको अपने शरीर लग रहा था और एक मतलब गैस का जो गुब्बारा होता है ना उसकी तरह वो उड़ रही थी। और उसने कहा कि मैं मेरे दिल से मतलब डर वगैरह कुछ सब कुछ चीज़ें चली गई थी और मैं बहुत ही मतलब शांत और सुकून महसूस कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या पता कुछ नहीं लेकिन एक बहुत ही अच्छा मतलब एक 10 साल का बहुत ही अच्छा लड़का, आप समझ सकते हैं कि 10 साल का एक अच्छा लड़का हमसे हंस रहा है तो हम भी उससे हंसेंगे। और उसने कहा कि ये उसके पास चली गई और तब मतलब मैंने फिर से कहता हूँ कि हमारे सामने जिस तरह से माहौल होता है उस तरह से हम सोचते हैं। तो इसने कहा कि अगले ही पल में एक बहुत ही अच्छे गार्डन में वगैरह थी और नीचे सागर मतलब बहुत ही फूलों के वगैरह झाड़ थे, पेड़ थे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चा इसके पास आया और उसने कहा कि मैं आपका पहला बेटा हूँ। अब इसकी मतलब क्या हुआ था, इसके एक तकरीबन 10 साल का ही इसको बेटा था अभी भी इस दुनिया में भी, और उसके पहले उसका मतलब बेटा जो था वो ठीक से जन्म नहीं ले पाया था, जन्म मतलब लेने से पहले मतलब वो इस दुनिया से चला गया था। तो बहुत ही बुरा लगा था उस वक्त केसी को, बहुत ही दुख में थी। लेकिन आज जो उसका बेटा उसे दिखाई दे रहा था तो उसका कोई नाम भी नहीं था, आप समझ सकते हैं कि नाम नहीं था क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ था तो उसका नाम नहीं रखा गया था। तो उस बेटे ने उससे कहा कि मैं उसके केसी का जो अब बेटा था उसका नाम उस केसी ने केविन रखा था। तो उसने कहा कि मैं केविन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपको ज़्यादा बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता था, केसी हमेशा यही सोचती थी कि मेरे दो बेटे हो सकते थे, पहला ये बेटा जो अब क्योंकि वो जन्म नहीं ले पाया था और दूसरा केविन। तो उसने यही कहा कि अच्छा हुआ था अगर केविन भी हमारे साथ ये लड़का हमारे साथ होता जिसका कोई नाम नहीं रखा था क्योंकि वो अब तक जन्म नहीं ले आता। तो उसने यही कहा कि अच्छा होता कि अगर वो होता। लेकिन इस बेटे ने उसे यही कहा कि आपको ज़्यादा दुख करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा केविन की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं हमेशा उसके साथ हूँ और वो मेरा भाई है और मैं हमेशा आपके भी साथ हूँ, मैं हमेशा आपके लिए मतलब दुआ करता रहूँगा परमेश्वर से। और ऐसा हुआ और एक पल में ही मतलब केसी ने बताया कि एक पल में भी अगले पल वो अपने शरीर में थी और उसे मतलब उसने जब धीरे धीरे उसकी कहा कि उसने मेरी आँख खुल रही थी और मैंने देखा कि मैं अस्पताल में हूँ। पहले तो उसने यही कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि उस बच्चे के साथ मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन उसने यही सोचा कि मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई देने के लिए या फिर मुझे ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए सारी चीज़ हुई थी और इसलिए उसने ज़्यादा दुख नहीं किया और वो खुश भी थी कि वो अपने परिवार के साथ अब थी, अपने पति और अपने बेटे के साथ, केविन के साथ। तो वो हमेशा मतलब यही कहती है कि मेरा दूसरा भी बेटा मेरे साथ है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ है और वो बहुत सारा प्यार उसे देती है। और उसने ये भी कहा है कि क्रिसमस में जो भी मतलब गिफ्ट वगैरह वो अपने बेटे को मतलब केविन को देती है तो वैसा ही मतलब एक गिफ्ट वो हमेशा अपने दूसरे बेटे के लिए भी लाती है। और ये बहुत ही बढ़िया कहानी थी केसी की। अब तीसरी कहानी पर पढ़ते हैं। ये कहानी है रिचल कैंपबेल नाम के एक औरत की, उनके साथ मतलब ये 1998 को हुई थी ये हादसा। और क्या हुआ था कि वो जहाँ पे रहती थी तो उस वहाँ पे साइक्लोन मतलब जो ये कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा तूफान आया था, अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा तूफान आते हैं आपको पता ही होगा, तो ऐसे साइक्लोन में उसका पूरा घर मतलब तबाह हो गया था। और ये घर में ही थी और किसी मतलब चीज़ को ये पकड़ कर रखी थी लेकिन बहुत ही ज़ोरदार वो तूफान आया और उसने मतलब पूरे घर को तबाह किया और घर की कुछ छत की कुछ भाग इस पर ही गिर गया पिचरी पर, रिचल के ऊपर। और उसके बाद उसने कहा कि मुझे कुछ भी मतलब मैं होशी में नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ, केसी को कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ थी लेकिन एक ऐसा अनुभव उसने किया कि वो एक अलग ही दुनिया में थी। और मैं उसे सच कहता हूँ आप उसको थोड़ा अलग अनुभव हुआ, मतलब वो एक अपने आप को एक मार्केट में देखा उसने और वो मार्केट के जो लोग थे वो जापान टाइप के थे, मतलब आपको पता होगा जापान में फिर चाइनीज़ जैसे लोग होते तो वैसे वो लोग थे और वो लोग बहुत ही अच्छे थे। वो उनके मतलब चेहरे में सुख या फिर अच्छी मतलब प्यार टपक रहा था लेकिन उसने यही कहा कि वो ज़्यादा मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे
वो अपने काम में व्यस्त थे और मैं भी उनके मतलब उनके साथ ज़्यादा कुछ बात करना नहीं चाहती थी। लेकिन ऐसे वक्त में उसने एक हैट, मतलब जो हैट होती है ना सर की, कैप नहीं, हैट जो गोल होती है वैसी हैट पहन के एक इंसान को देखा और वो इंसान बहुत ही इनसे बहुत ही हंसकर मतलब आ रहा था इनके सामने। तो इसने गौर से उनके बाद देखा तो उसने देखा कि वो उसके पिताजी थे जो अब जिस दुनिया में नहीं थे, बहुत साल हुए थे मतलब उसको जाने के, 15 साल कुछ हुए थे। और उसने यही कहा है रिचल ने कि वो बहुत प्यार से मतलब मुझसे बातें कर रहे थे और उन्होंने उससे यही कहा कि अब तक तुम्हारा वक्त नहीं आया है, और ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसलिए इसको भी मार्केट या फिर एक रास्ते का ऐसा भाग इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि मतलब इसको ऐसा दिखाना था, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों को मतलब वो सारी चीज़ें पसंद आती है या फिर उसमें वो थोड़ा कम्फर्टेबल महसूस कर सकती है, ये सारी चीज़ें इसके लिए वजह से होती है। और उसके बाद मतलब रिचल ने बहुत ही ज़्यादा उसको लगा था मतलब, तो उसने यही कहा है कि अगले पल मैं जब शरीर में अपने आप को महसूस करने लगी तो मुझे मतलब दुख दर्द या फिर जो भी उसको जहाँ पे भी मतलब लगा था वहाँ पे महसूस हुआ। और उसने कहा कि तकरीबन मतलब 3 से 4 महीने उसे लगे ठीक होने में, अस्पताल से वो आ गई मतलब 1-2 महीने में, लेकिन उसे ठीक तरह से मतलब फिर मतलब रिकवरी करने के लिए उसके शरीर को तकरीबन 3-4 महीने लगे। लेकिन उसने यही कहा कि मुझे जो भी अनुभव हुआ था वो बहुत ही कम समय के लिए हुआ था, लेकिन मुझे बहुत सारी सीख देते गया। और मैं आपसे सच कहता हूँ, ये हमेशा मुझे शायद बोलना चाहिए एनडीए के सेशन में, जितने लोगों को एनडीए का अनुभव हुआ है उनका जो स्वभाव था वो पूरी तरह बदल गया है। मैं आपसे सच कहता हूँ, कितने भी मतलब बहुत सारे मैंने अब तक केसेस कहे हैं तो उसमें सब ने यही कहा है कि मैं पूरी तरह बदल गया और पूरी तरह मेरे विचार बहुत ही अलग होने लगे। वो इतना मतलब उन्होंने कहा है कि मैं दुखी लोगों के बारे में बहुत सोचने लगा या फिर मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मतलब क्या कर सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ हमेशा हंसने लगा जिनके साथ मतलब मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया था। तो ये बहुत ही अच्छे बदलाव होते हैं एनडीए के, तो ऐसा अनुभव जिसे होता है उसमें ये बदलाव आने चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आपसे सच कहता हूँ कि मेरा इंटेंशन आपको ये बताना यही है कि हम इन सारी चीज़ों से सच में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब एक ऐसा अनुभव हमारे साथ ही हुआ है ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ही थे। वो कुछ आपको लगेगा कि ये कुछ अलग किस्म के या फिर अच्छे लोग थे, सचमुच ये अच्छे मतलब मैं आपसे सच कहता हूँ ये हमारी तरह ही थे, हमारे और आपकी तरह। कोई मतलब बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले, कोई फेमस नहीं था, कोई अमीर नहीं था इतना बहुत ज़्यादा, तो ये हमारी तरह ही लोग थे और वो हमारी तरह ही उनकी सोच थी कि दुनिया में किस तरह से जीना चाहिए। कुछ लोग ज़्यादा स्वार्थी भी थे उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि अनुभव ने पूरी तरह उनको एक कहते हैं ना कि एक अच्छा ही की या फिर असली ज़िंदगी या फिर असली दुनिया की पहचान करा दी उन्होंने। तो बहुत ही बड़ी बात मुझे लगती है कि जो हमें अपने साझा करते हैं अनुभव, और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं कि जो हमें कभी भी शायद महसूस क्या पता कब हो जाए या फिर ना भी हो, लेकिन सारी चीज़ों से हमें कुछ बहुत कुछ सीखने मिलता है। और मैं आपसे सच कहता हूँ कि ऐसे अनुभव जिनको भी होते हैं वो यही कहते हैं ज़्यादा तो कि हमें अच्छा नहीं लगा उस दुनिया से यहाँ पे आने के लिए, लेकिन मतलब मेरा अब तक वक्त नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे आपने भी देखा होगा कि ये तीसरा हमारा चैप्टर है, उसमें शायद ये नौ कहानी हमारी हुई है, लेकिन 9 कहानी में मतलब एक भी मतलब बहुत सारे लोगों ने यही ज़्यादा कहा है कि आपका वक्त नहीं हुआ, तो उनका यही मतलब होता है कि आपका अब तक वक्त नहीं हुआ है। और विस्पी और ऋतु के एक भाग में उन्होंने कैसा कहा है आपको मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने कहा है कि कभी कभी ऐसे अनुभव इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत लोगों को मतलब समझो एक इंसान को ऐसा अनुभव हुआ और उसने एक किताब लिखी और उस किताब को तकरीबन 2-3 लाख लोगों ने समझो पढ़ा, तो ऐसा मतलब कुछ अच्छा ज्ञान लोगों के साथ बांटने के लिए भी ऐसे अनुभव उनके साथ हो सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात हुई, मतलब परमेश्वर खुद चाहते हैं कि ऐसे अनुभव हम सबको मतलब बांटे, और मैं भी आपसे यही कोशिश करता हूँ कि आप भी ऐसे अनुभव साझा करें और हमें उन लोगों को ये कहे जो आपको बात का यकीन करे खामखा। मतलब बहुत लोग हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मतलब आजकल बढ़ रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ों में भी संदेह करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों में मतलब फ्रॉडगिरी में उनको मतलब कुछ नहीं लगता, लेकिन हम कुछ अच्छा कहने के लिए गए तो उसके बारे में हम क्या बात करें। लेकिन ऐसे लोगों को ही कहे जो आपकी मतलब बात का यकीन करे खामखा, मतलब आपको कहीं बुरी वगैरह मतलब गलत सोच ना समझे, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि कभी कभी कि इस टाइप का मेरा चैनल है मैं ऐसी बातें कहता हूँ, तो यही कहते हैं कि ऐसी थोड़ी बातें हैं तुम, कोई एक ने तुमसे कहा था कॉमेडी चैनल बनाओ, मैंने कहा कि ऐसे मतलब बहुत लोग हैं जो लोगों को हंसा सकते हैं लेकिन एक अच्छा ज्ञान देने वाले बहुत ही कम चैनल है। मैं सच कहता हूँ कि क्या होता है कभी कभी कि हम उस तरह से मतलब ये ज्ञान पूरी तरह अलग होता है या फिर भगवान की जो धारणा होती है वो पूरी तरह अलग होता है भगवान उन सारी चीज़ों से। एक कहानी एक बताई थी कि भगवान किस तरह से होता है, तो 5 जो कहते आपने भी सुनी होगी, 5 अंधे लोगों को एक ऐसे रूम में तो नहीं कह सकते, एक ऐसे जगह पे लेके जाता है जाया जाता है जहाँ पे एक हाथी होता है, और वो अंधे लोगों को एक पूछा जाता है कि ये देखो दिखाओ कि आप ये सामने क्या है, तो मतलब जो पैर को हाथ लगाता है वो कहता है कि एक बहुत ही बड़ा पिलर है भगवान, या फिर कान को हाथ लगाता है वो कहता है कि भगवान ऐसा है, कोई उसके मतलब सुंड होती है तो उसको हाथ लगा के कहता है कि वो ऐसा है, लेकिन
सच में मतलब ये सारी चीज़ें हमें लग सिर्फ लगती है लेकिन उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो मतलब भगवान क्या है, तो ये सारी सब मतलब जो पांचों लोग जो अंधे थे बेचारे, तो वो जो पांचों लोग जो कह रहे थे वो सब मिलकर एक भगवान है, मतलब इसी तरह की धारणा है भगवान की, क्योंकि बहुत अलग अलग होती है और उनको ऐसी अगर हम बातें कहें तो उनको अलग ही लगती है उन, ऐसा थोड़े होता है। एक ने तो मुझसे कहा था कि ऐसा नहीं, तुम कह रहे हो ऐसा नहीं होता, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि क्या होता है कि जब हमारी मौत होती है तब हमारा दूसरा डायरेक्ट शरीर हम डायरेक्टली धारण करते हैं। तो मैं चुप रहा, बाद में मैंने उससे यही कहा कि बहुत ऐसे सारे केसेस हैं जिसमें डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या होता है कि आज हमारी मौत हुई तो बहुत ही कम समय में हम कुछ लोग डायरेक्टली दूसरा देह धारण करते हैं। कम समय में मतलब आपको लगेगा कि दूसरे दिन ही नहीं, मैं सच कहता हूँ कि बहुत ही कम समय मतलब एक दो महीने में ही ऐसा, लेकिन क्या होता है कि उस आत्मा की स्थिति जिस तरह से निर्धारित है उस पे ये सारी चीज़ें निर्भर होती है, और उसके मास्टर्स मतलब उसके मार्गदर्शक आत्माएं वगैरह उसे किस तरह से मतलब कहते हैं उस पे सारी चीज़ निर्भर होती है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि ऐसे हम एक एक शरीर धारण करते रहे तो हमने सीखा क्या, ये सबसे पहली बात है। सच में मैं आप फिर से कहता हूँ, ये पृथ्वी का घर हमारा असली घर नहीं है, हमारा असली घर कोई और है आत्मलोक में, और वो वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा देर दिन रहते हैं। हमारे आत्मा का एक अंश यहाँ पे आया है और फिलहाल मतलब इस वक्त हमारा वो अंश मतलब आधी आत्मा हमारी आत्मलोक में ही है। ये सारी बातें अगर आपको ठीक से पता नहीं चल रही तो आप मेरे बाकी के सेशन देखिए ज़रूर, क्योंकि सिर्फ हम वहाँ पे यहाँ से आए हैं ऐसा नहीं है, हमारा एक मतलब एक भाग वहाँ पे भी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी लोगों ने कहा है कि समझो एक औरत है और इस दुनिया से चली गई, उसका बेटा अभी भी पृथ्वी पर है, तो वो उस औरत को अपना बेटा ऊपर भी दिख सकता है, आत्मलोक में भी उसे वो मिल सकती है, क्योंकि वो उसका एक भाग होता है। मतलब आपको समझने के लिए कह रहा हूँ कि एक समंदर है, उसमें से एक घड़ा पानी मैंने निकाल के मेरे घर में लाया, तो मेरे घर में भी एक समंदर का अंश है, लेकिन समंदर वहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब इस तरह से बात ही है। ये आपको ज़्यादा मतलब अगर आप इस पे ज़्यादा आपको कोई मतलब ठीक से समझ में नहीं आ रही, आप ज़रूर मतलब पूछिए। मैं बातों में मैंने नहीं सोचा था इन सारी बातों के बारे में, एनडी के बारे में बताने वाला था, लेकिन कभी कभी हम बोलते समय मतलब चीज़ें मतलब थोड़े थोड़े विचार आगे मतलब कोई अलग रहा तो बोला तो उसके बारे में और बातें करना मतलब ऐसी इच्छा होती है। लेकिन आपके कोई भी सवाल आप ज़रूर मुझसे पूछिए, कोई अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया फिर आत्मलोक के बारे में वगैरह, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। आपके कोई भी मतलब सवाल आप ज़रूर पूछिए किसी भी चीज़ के बारे में, जितना मतलब मुझसे होता है उसमें उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अपना और अपने परिवार का पूरी अच्छी तरह से ख्याल रखिए, हमेशा परमेश्वर आपके साथ है। हम सब हमारे मतलब अच्छी प्रार्थनाएं आपके साथ आपके सामने मतलब हमेशा करते रहेंगे, और हमेशा आप खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।